हाय गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होप एवरीथिंग गुड गाइज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा आउटफिट्स, जिसमें मैं ड्रेसेस एंड कुर्तीज़ दिखाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं आपको साड़ीज़ दिखाऊंगी, बट एक दो साड़ी मुझे रिसीव नहीं हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो 100% प्रॉमिस साड़ी वीडियो ही आएगी। सो स्टे ट्यून। और ये वीडियो पसंद आती है गाइज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, लाइक करके मोटिवेट करो एंड कॉमेंट में बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। नाउ विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने पिक करा है ये ग्रीन कलर की शिफॉन मैक्सी ड्रेस गाइज, और ये फैशोर ब्रांड से है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मैंने अपने बर्थडे के लिए ली थी एंड बर्थडे के नाइट इसे वेयर भी करा था पार्टी में। सो ये 4000 रुपीज़ की है। मुझे कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक ड्रेस चाहिए थी अपने बर्थडे के लिए, सो मैंने ये पिक करा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसका पैरेट ग्रीन कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका जो फ्लो है एंड जो लहरिया प्रिंट है वो बहुत प्यारा लगा। क्योंकि बर्थडे था तो थोड़ा एक्सरसाइज मैंने ज़्यादा की है, और क्योंकि इसकी जो है वो नीचे को आपको ओपन मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे एक अपना बहुत ही पुराना ये इंडिया ब्रांड से स्कर्ट डाल के से पेयरअप किया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। नीचे को अगर आप देखोगे तो लहरिया प्रिंट में ही ऐसे घेर है, अंदर से आपको इनर लाइनिंग ग्रीन कलर की मिल रही जो कॉटन मटेरियल की, एंड पूरी जो कुर्ती है वो शिफॉन मटेरियल की है। सो इस स्कर्ट के साथ ये कुर्ती सेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, सॉरी कुर्ती बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। एंड इसका जो पैटर्न है ऊपर से जो ऐसे फ्लो है ना स्लीव्स का, वो आपको एक स्लीवलेस अंदर को स्लीवलेस एंड ऊपर से कफ्तान काइंड ऑफ ऐसे लहराने को दिया हुआ है। पैटर्न मुझे उसका बहुत प्यारा लगा। साइज मेरा इस पर मीडियम है एंड पहनकर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आई पर्सनली थिंक कि बर्थडे के लिए ये मेरे परफेक्ट आउटफिट थी, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मुझे मिली। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पे बताओ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप चाहो तो विदाउट स्कर्ट भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नी लेंथ सामने आ रही है तो एक ड्रेस आपकी ये बन जाएगी। मुझे थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए था तो मैंने स्कर्ट इस पर डाली है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है सेम ब्रांड से गाइज एंड सेम पैटर्न, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ग्रीन कलर अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो मैंने इसका डिफरेंट कलर भी मंगाया। जो प्लेन आपको ये रोज़ कलर की है, जो प्लेन कलर वो रोज़ कलर की, एंड उस पर आपको ये मैजेंटा कलर मिल रही है। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है एंड सेम पैटर्न आपको मिल रही है, बस थोड़ा सा इस पर जो प्लेन जो मटेरियल है वो प्लेन है, उस पर लहरिया प्रिंट करी हुई थी। सामने को इसको इस पर भी थ्रेड वर्क करा हुआ है, जिसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इस पर आपको इनर लाइनिंग सैंतून की मिल रही है, पे कॉटन नहीं मिल रही है। फर्स्ट वाले पे इनर लाइनिंग कॉटन की मिल रही थी, और ये थोड़ा कम प्राइस का, लाइक वो मैंने 4100 रुपीज़ में ली थी। ये वाली जो है ये ओनली 3200 रुपीज़ की है। सो दोनों में मैंने डिसाइड करा मुझे ज़्यादा बेटर ग्रीन वाली लगी, तो मैंने ग्रीन वाला वेयर कर लिया। और ये भी बहुत प्यारा है, किसी भी पार्टीज़ के लिए, वेडिंग पार्टीज़ के लिए, आने वाले फेस्टिव के लिए, दुर्गा पूजा के लिए या फिर दिवाली के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है। 100% ग्रैब कर सकते हो। वीनेक के साथ आती, अगर आपको कुछ यूनिक पहनना पसंद है। तो साइज़ मेरा इस पर मीडियम है, इस पर भी सेम पैटर्न है। नीचे को अगर आप देखोगे उस पर स्कर्ट पहना था तो बहुत अच्छे से नज़र नहीं आई, बट अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से जहाँ पे थ्रेड वर्क है उससे नीचे आपको ऐसे ऐसे प्लीट्स बनी हुई है बहुत सारी, और उस पर जिगजैग इस तरीके से नीचे को डाउन एक फ्लेयर आ रही है। तो काफ़ी प्यारा है, हाई लो हेम है और इनर लाइनिंग के साथ है। कम्फर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। मटेरियल कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है शिफॉन के, एंड स्लीव सेम पैटर्न है, ऊपर से श्रग काइंड ऑफ लाइक कफ्तान की तरह स्लीव्स इस पर निकाली हुई है। तो स्लीव्स की पैटर्न और नीचे हाईलो पैटर्न मुझे बहुत पसंद आई। सो आपको कैसी लगी आप कमेंट पे बताओ। मैं इसे भी हाईली रेकमेंड करूँगी। आने वाले फेस्टिव में मैं इसे पहनूंगी और आपको भी सजेस्ट करूँगी। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप 100% ग्रैब कर सकते हो। अगर कुछ यूनिक पहनना चाहते हो, कुछ डिज़ाइनर पहनना चाहते हो, तो आप 100% ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये इंडिया ब्रांड की गॉन पिक करी है, जिस पे अटैच दुपट्टा आपको मिल रही है गाइज। इस पे दुपट्टा का जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, इस पे आप कुछ भी बनाने की टेंशन नहीं है। सो ये है मीडियम साइज़ पे, और प्राइस कुछ मुझे 1800 रुपीज़ में मिली है। मैंने सेल पे ली है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन एंड गोल्डन कलर की ये ड्रेस है, नेट स्लीव्स के साथ आ रही है, जॉर्जेट मटेरियल है। कुछ इस तरीके से दुपट्टे में आपको फ्रंट पे मिल रही है। एक तरफ प्लीट्स जो है दुपट्टे की अटैच्ड है, दूसरी तरफ अटैच नहीं है। सो आप चाहो तो पिन लगा के अटैच भी कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। सामने को ना आपको डोरी काइंड ऑफ मिल रही है, बट डोरी बांधने को नहीं मिल रही है, वो फिक्स डोरी मिल रही है। एंड इस पर बेल्ट आ रही है गाइज, पतली सी जो आपको दिख रही है, ये डिटैचेबल है, आप आराम से हटा सकते हो। सो इसकी फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गोल्डन प्रिंट के साथ। एंड इंडिया ब्रांड की जो प्रिंट्स होती है आपको पता है कि किस तरीके से होती है। सो सेम प्रिंट काइंड ऑफ है, कोई भी लाइक निकलने वाला प्रिंट नहीं। इंडिया ब्रांड की प्रिंट बहुत चलती है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसे भी 200% रिकमेंड करूँगी। इनर लाइनिंग के साथ है, देखने में ब्यूटीफुल लग रही है, एंड ये कलर ना बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। सो कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है बहुत ही सिंपल कुर्ती, ये रस्ट ऑरेंज ब्रांड से है और ये मुझे 1300 रुपीज़ में मिली है। ऑरेंज बीच कलर का ये कुर्ती है गाइस, जिसमें मैंने खुद का ऑरेंज प्लाजो डाला है एंड इस पर मैंने थोड़ा बोहो लुक क्रिएट किया है, क्योंकि जिनको भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं पहनना है, बहुत ही सिंपल रखना है एंड एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी रखना है, तो उनके लिए परफेक्ट है। कंफर्टेबल भी बहुत है, कॉटन मटीरियल है, कुछ इस तरीके से कपड़े में ही प्रिंट है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की। रस्ट ऑरेंज ब्रांड की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनका जो नेकलाइन का जो डिज़ाइन है ना, वी नेक के साथ जो डिज़ाइंस की बनाते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है और मुझे पसंद आती है इनके ब्रांड्स की ऐसे जो नेकलाइन वाली डिज़ाइन। ये काफ़ी प्लीट जो इस तरीके से यू शेप में, उल्टे यू शेप में आती है, वो बहुत पसंद आती है। फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो मैक्सी ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो। मैंने एज अ सूट इसे वेयर करा है और इस पर आप मतलब सिल्वर और ज्वेलरी डाल सकते हो या फिर ऑरेंज ब्लैक, जैसे मर्जी आप स्टाइल कर सकते हो, बट मैंने इसे बोहेमियन लुक रखा है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने भी इसे बर्थडे के थर्ड डे पहना था गाइस, थोड़ा मुझे सिंपल रखना था तो बर्थडे के थर्ड डे पहना था। मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी फ्लोई एंड बहुत मज़ा आया पहन के। सो बोहो बैग लिया है मैंने एंड सेम ज्वेलरी, बोहो ज्वेलरी डाली है, फिंगर रिंग्स डाले हैं, सो फुल बोहो लुक मैंने क्रिएट किया है। तो आपको कैसे लगे आप कॉमेंट में बताओ। साइज़ मेरा इस पर मीडियम है और इसे भी मैं 200% रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक करा है ये लिबास ब्रांड से, ये कफ्तान ड्रेस गाइस, और ये 895 रुपीज़ में मुझे मिली है। अभी भी करंट इसका प्राइस सेम है। मिंत्रा की प्राइस बहुत अप एंड डाउन होती है, जिसका आप ध्यान रखें। साइज़ मेरा इस पे लार्ज है, मीडियम अवेलेबल नहीं थी तो मुझे लार्ज लेनी पड़ी। आप जो साइज़ पहनते हो वही साइज़ लो। वी नेक के साथ आती है और इस पर जो ये गोल्डन दिख रही है ना, गोल्डन बीच काइंड ऑफ, ये एक गोल्डन फॉइल प्रिंट है। रेड में भी आपको प्रिंट मिल रही है, तो कैमरे पर ना ये जस्टिस नहीं कर रही। एक्चुअल में ये फुल पार्टी वेयर ड्रेस है, आप सिंपल इसे डेली वेयर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। सो पार्टी वेयर है, बर्थडे पार्टी हो, थोड़ा गेट टुगेदर हो, छोटे मोटे ओकेजन के लिए या फिर आने वाले फेस्टिव के लिए, जिनको भी सिंपल स्टाइल करना उनके लिए परफेक्ट है। मैंने इस पर रेड चोकर डाली है, बैंगल्स डाले हैं, क्योंकि मैं फेस्टिव वेयर लुक बुक क्रिएट करी हूँ तो मुझे बैंगल्स पहनना अच्छा लगता है और थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक हो जाती है, तो मैंने बैंगल्स के साथ दिखाया। आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन रेयॉन मिक्स मटेरियल है, काफ़ी कंफर्टेबल है, पहनने पर मुझे बहुत मज़ा आया एंड कफ्तान बहुत फ्लोई भी मुझे इन दिनों लगती है, बहुत इन भी है। डोरी आपको मिल रही है फ्रंट पे, जिसे आप टाई करके नो थोड़ा अपने वेस्ट को अच्छे से फ्लाउंड कर सकते हो। और मेरा लूज़ है ये साइज़, तो उतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, मीडियम होती तो परफेक्ट होती। हाईलो हेम के साथ है गाइस, 200% रिकमेंड करूँगी। अफोर्डेबल है, कंफर्टेबल है, आने वाले फेस्टिव के लिए बहुत बढ़िया है। सो आपको कैसे लगी आज का हॉल कॉमेंट पर ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।